Welcome back again, math class. Hello, dear students. Yes, our chapter 6 is running. And question number, hum karenge aaj, find the question and remainder. Remainder means जो नीचे हमारा बचता है, उसको हम बोलते हैं. Okay? चलिए. अब book में दे रखे हैं sum, तब हम करेंगे. ध्यान से समझेंगे सब. ठीक है? Yes. 4084 divided by 4. Okay? 4084 divided by 4. तो divide का साइन नहीं है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? हमको टेबल आता है. लेकिन हमको टेबल्स लिखने हैं साइन में. Yes. तो यहाँ 4 का टेबल लिखा हुआ है देखिए. Okay? तब हम स्टार्ट करेंगे. Yes. 4000 डिजिट दूर दूर लिखेंगे ताकि हमारा सम सही हो. ओके डिवाइड किसे करना है? 4 से. ये किसका सही होता है? डिवाइड का. ठीक है चलिए 4 के टेबल में देखिए सबसे पहले तो सिंगल नंबर आ रहा है तो अंदर भी हम सिंगल नंबर ही देखेंगे बाकी के नंबर हमको नहीं देखना है अभी. ठीक है चलिए 4 को देखो इजी वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है तो सेम है कोई बात नहीं. तो 4 के टेबल में 4 कितनी बार आता है? 1 टाइम आता है. हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम. तो जो सर्कल वाला नंबर है वो हम कहां लिखेंगे? नीचे. और जो बाहर नंबर लिखा है वो कहां लिखेंगे? ऊपर. ठीक है 1 यहां लिखेंगे और सर्कल वाला नंबर कहां लिखेंगे? हम यहां. और चूंकि ये सबट्रैक्शन है द पास्ट वे ऑफ सबट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन. ओके तो हम क्या करेंगे इसको सबट्रैक्ट करेंगे. 4 माइनस 4 0. ध्यान रखना मैं डिवाइड में हमेशा स्टार्टिंग प्लेस से ही स्टार्ट करना है पीछे की प्लेस से नहीं करना है. ठीक है एडिशन एंड सबट्रैक्शन में हम वंस की प्लेस से स्टार्ट करते हैं लेकिन डिवाइड में हम स्टार्टिंग प्लेस से स्टार्ट करेंगे. ओके चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर नीचे उतारेंगे 0. तो किसी भी नंबर का जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0. तो 4 0 का 0 और यहां पर भी हम क्या लगाएंगे? 0. 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0. जैसे जैसे आपको टेबल्स तो थोड़ा हो जाएंगे बिल्कुल पक्के से लड़ जाएंगे उसके बाद आप डायरेक्ट डिवाइड कर